हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ शबीना मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमताज़ किचन विद शबीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज्ज़ा विथ बारबेक्यू सॉस। तो ये पिज्ज़ा जो है मैं दो ओवन में बनाऊँगी और एक पैन में भी बनाऊँगी, चूँकि हर जगह ओवन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, ये 250 ग्राम है, एक पाव चिकन है। और मसाले देख लेते हैं। आधी चम्मची अदरक का पेस्ट है, आधी चम्मची लहसुन का पेस्ट है, और इसमें आधा जो है वो पत्ता और थोड़ा लहसुन की कलियां मिला के मैं बनाती हूँ। तो ये है, यहाँ पे काला नमक और काली मिर्च का पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है 1/4 चम्मच, और यहाँ पे धनिया पत्ती है। अब मसाला हम इसमें मिला लेंगे, मसाला मिक्स करेंगे। अदरक का पेस्ट, लहसुन और लहसुन के पत्ते का पेस्ट है, काला नमक और काली मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और हरा धनिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आपके पास अगर टाइम है तो उसको ओवरनाइट में छोड़ दें, अगर नहीं है टाइम तो आप आधे घंटे एक घंटे में बना ले, चूंकि ये छोटी छोटे पीसेस में होता है तो फौरन ही मैरिनेट हो जाता है। यहाँ पे मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है, साइडों को क्लीन कर देंगे ताकि फ्रिज जो है वो गंदा ना हो, और इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे और फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो गया है। एक पैन मैंने गरम किया है और इसमें हल्का सा जैतून का तेल डाल लिया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल लें। और चिकन को इस तरह से थोड़ा अलग अलग करके रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से हम चिकन रख लेंगे, थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज होना शुरू हो रहा है, एक साइड से बन जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे चिकन जो है एक साइड से पक गया है, तो इसको हम चला देंगे। बिल्कुल हल्के आँच से बनाना है इसको। और दोनों साइडों से इस तरह का बारबेक्यू टाइप का कलर आ जाए और फिर चिकन जो है हमारा रेडी है। फिर बाकी प्रोसेस करना है, क्योंकि पिज्ज़ा बनाना है हमें, तो ये बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पिज्ज़ा के लिए मैंने चिकन जो है वो हमारा रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 बेस लिया है पिज्ज़ा का, दो हम ओवन में बनाएंगे और एक पैन में बनाएंगे, चूँकि हर जगह पे यानी सहूलत नहीं होता ओवन का। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज लिया है और ये 200 ग्राम है। ओलिव, ब्लैक ओलिव, ग्रीन ओलिव और थोड़ा सा धनिया पत्ती है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है 1 चम्मच। यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस है और ये मैंने होममेड घर में बनाया है, होममेड है, तो इसकी भी रेसिपी दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी जल्दी में हूँ। खैर, यहाँ पे टॉपिंग के लिए मैंने लिया है ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, थोड़ा सा कॉर्न, अनियन और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा अदरक, इस तरह का आप देख सकते होंगे हल्का सा अदरक है, थोड़ा इंचेस ऑफ। यहाँ पे ग्रीन अनियन लिया है, स्प्रिंग अनियन, और यहाँ पे कैप्सिकम है, येलो कैप्सिकम है, आप चाहें तो कुछ और भी, ब्रोकली वगैरह भी ऐड किया जाता है।
तो अपने पसंद की वेजिटेबल ऐड कर लेंगे। अब यहीं पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को मिला के और 2 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हे पे पका लूँगी ताकि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये टॉपिंग हमारा रेडी होगा। तो चलें इसको बना लेती हूँ। यहाँ पे टॉपिंग को मैंने 2 मिनट पकाया है और बस ये लेयर मुझे ट्रांसपेरेंट हो जाता है सब्जी में। और यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये टॉपिंग हमारा डन है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया है और इसको हाथों की मदद से इस तरह से फिंगर से तेज हाथ से दबा के बीच में जगह कर लेंगे ताकि टॉपिंग जो है वो हमारा अच्छे से जा पाए। यहाँ पे इस तरह से सेंटर में थोड़ा दब गया है। अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे। और सॉस को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे साइडों पे। हल्का हल्का सा साइड पे भी लगा देंगे, साइड पे ज़्यादा रखेंगे नहीं वरना ये गर्म होने पे नीचे आ जाता है। हल्का सा लगाएंगे और सेंटर में चूंकि जगह बन गई है तो यहाँ पे अच्छा सा आ जाता है सॉस। यहाँ पे मैंने चीज़ लिया था मोज़रेला चीज़, चीज़ डाल लेंगे। और चीज़ को इस तरह स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से हम डाल लेंगे और इसको साइडों पे भी डालेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे वेजिटेबल वाला चॉपिंग टॉपिंग जो है, सॉरी। और इसको चॉप करते टाइम ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल बारीक होना चाहिए वरना ये अच्छे से नहीं जा पाएगा, चिपकता नहीं है। और चूंकि तीन बनाना है तो मैं इसको 3 हिस्से में कर लूंगी और उसी हिसाब से रख लेंगे हम। इसको इस तरह अच्छे से फैला दें साइडों पे भी। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा और चीज़ इस तरह से। यहाँ हमने चिकन लिया था, जो चिकन मैंने बनाया है उसको ऐसे डाल देंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ। इसको इस तरह टक करके डालेंगे, फंसा देंगे। इतना काफी है। और थोड़ी सी चीज डाल देंगे ताकि पिज्ज़ा जो है हमारा चीज़ी बने। ओलिव लिया है मैंने, जैतून और थोड़ा थोड़ा दोनों जैतून डालेंगे, ग्रीन और ब्लैक दोनों। चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। और थोड़ी सी टॉपिंग
और इसको प्रेस कर देंगे हम हाथों की मदद से हल्का सा। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए, और इसी तरह मैं दोनों और बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तीनों पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर लिया है, मतलब बेक के लिए रेडी किया है, और दो को मैं ओवन में बनाऊंगी, एक को पैन में बनाऊंगी। इसको साइड कर देती हूँ और पैन में किस तरह बनाना है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप जो घर में पुराना पैन होगा वो लें, क्योंकि इसके बेस से कोई हमें मतलब नहीं है। इस तरह का हम स्टैंड जो होता है पॉट के लिए, ये ले लेंगे, और ये अच्छे से धुला होना चाहिए या नया हो। और इस पे हम ये पिज्जा रख देंगे और इसका लीड हल्का कवर करेंगे इस तरह, और 5 मिनट हम बिल्कुल हल्के आंच पे इसको बेक करेंगे, मतलब चूल्हे पे बेक करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा पिज्जा जो है, दो पिज्जा हम यहाँ पे ओवन में बेक करेंगे। उसके लिए दो स्टैंड ले लेंगे इस तरह का, और पिज्जा रख लेंगे। और इसको ओवन में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है और पिज्जा को टॉप रैक पे रखेंगे इस तरह से। पिज्जा को हम टॉप रैक पे रखेंगे। मेक श्योर कि आप इस तरह का ग्लव्स पहन लें जो ओवन के लिए आता है। और इसको मैं 5 मिनट बंद करके पकने दूंगी, और 5 मिनट के बाद निकाल के दिखा। ये पिज्ज़ा मैंने पैन में डाला था तो ये रेडी हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का है। और दो पिज़्ज़ा और अभी ओवन में है जो कि मैं आपको दिखा दूँगी। दो पिज़्ज़ा मैंने बेक होने के लिए रखा था, ये दोनों भी अच्छा सा बेक हो गया है और चीज़ जो है पूरा अच्छे से घुल गया है। तो एक को मैं कट करके दिखा दूँगी। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा ले लिया है, पिज़्ज़ा कटर है, इसको इस तरह कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल मज़े का, बहुत अच्छा बना है, सॉफ्ट सा है। और ये पिज़्ज़ा ओवन वाला है, और वो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको पैन वाला, तो ये मैंने ओवन वाला काटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत मज़े का है ये। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें इसको। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।